मित्रों नमस्कार, मैं डॉक्टर अशोक अयोध्यावासी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का विषय है खर्राटा, स्नोरिंग। ये प्रॉब्लम सुनने में तो बड़ी छोटी सी है लेकिन बहुत दुखदाई है। आपके ही पड़ोस में कोई खर्राटे वाला व्यक्ति लेट जाए, शायद आप रात भर नहीं सो पाएंगे। तो कुछ लोगों ने कहा कि आप खर्राटे के बारे में कोई वीडियो डालें। खर्राटा क्यों होता है इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लें। कई बार रात में सोते समय मुझे ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है और शरीर में कफ बढ़ जाने की वजह से नाक की झिल्लियों में हल्की स्वेलिंग आ जाती है। तो जब हम तेजी से सांस लेते हैं तो उस नाक की झिल्लियों का वाइब्रेशन ही खर्राटे के रूप में बाहर आता है। अब इसका उपाय भी बहुत आसान है। आपके घर में गाय का घी होगा, रात को सोते समय दो दो बूंद गाय का घी नाक के दोनों छिद्र में डालें और उसको खींच लें और चैन से सो जाएं। कुछ ही दिनों में आपका खर्राटा बंद हो जाएगा। जिसको बहुत पुरानी प्रॉब्लम है वो साथ में सीतोपलादी चूर्ण शहद के साथ में आधा आधा चम्मच सुबह शाम सेवन करें, इससे और ज्यादा लाभ मिलेगा। और जिनको एलर्जी की शिकायत रहती है साथ में, वो लोग अमृतारिष्ट का भी सेवन करें। अमृतारिष्ट किसी भी आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगा। तो 15 ml की मात्रा में पानी मिला करके खाना खाने के बाद में सुबह शाम सेवन करें और पूरी तरह से आराम मिलेगा। लेकिन इसकी मुख्य दवा गाय का घी है जो नाक में डालते रहें। नाक में डालेंगे तो उससे जुकाम भी नहीं होगी, खर्राटे भी बंद हो जाएंगे और ऑक्सीजन की जो कमी रात में पड़ रही वो भी पूरी हो जाएगी। आशा है आप लोग इस वीडियो से लाभ उठाएंगे और आपको लाभ मिले तो आप दूसरों को भी अवश्य बताएं। और एक निवेदन है कि अगर मेरा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने विचार मुझे कमेंट में जरूर दें। जय आयुर्वेद, जय धन्यवाद।